आज अच्छी रेडी नगर सेवन एट होटल के पीछे के इलाके के ऊपर एक नामालूम शख्स का जो है ना, जिससे घर में खुद का रिश्तेदारों में क्या आपसी अख्तलाफात थे नहीं मालूम, एक मालूमात के मौजूदा मालूमात के हिसाब से छोटा भाई ने बड़े भाई का कत्ल कर दिया बोलकर जो है ना, जैसा दो घंटे पहले हुआ था हमारे मोहल्ले वालों को, हमारी एरिया के सदरों को, किसी को नहीं मालूम था। जैसा हमारे सदर साहब को, बैरिस्टर असदुद्दीन साहब को इतला मिली तो फौरन हमको यहाँ पर भिजा कर सही मालूमात के लिए भिजाए हैं। तो यहाँ पर मालूम हुआ कि मोहल्ले में नए नए दो महीने हुआ यहाँ पर आकर, तो दो महीने हुआ फौरन जो है अभी लाश यहाँ पर ही पड़ी हुई है। मगर मैं हैदराबाद सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस साहब से, मैं अदबन हमारे मुतालिका डीसीपी साहब से, एसीपी साहब से मैं अदबन गुजारिश करता हूं कि मुसलसिल ये ईद के बाद से जो है ना, अब तक का करीब करीब पाँच छठवां घंटे में पाँच मर्डर हो गए, छः कत्ल हो गए। तो इसको जो है ना, हमारा पुलिस को जो है ना इंटेलिजेंस को तेज़ करना चाहिए, और जो है ना पूरी पुलिस को हर गली के अंदर जहाँ जहाँ पर ख़ास तौर से जो है ना नाइट्रेट गोलियों का मामला रहने दो, गांजा का मामला रहने दो, जो है शराब नोशी का मामले में रहने दो, पुलिस को जो है ना सख्त सख्त इकदाम कर वो लोगों को पकड़ना, और मेन पीने वालों से ज़्यादा जो सप्लाई कर बेच रहे हैं उन लोगों के तक का पहुँचने का काम पुलिस अहदेदारों का है। पुलिस चाहे तो कभी भी जाकर उन तक का पहुँच कर उनको पकड़ कर, जब तक का जो बेचने वाले हैं उन लोगों को नहीं पकड़ेंगे, ये पीने वालों का मसला कम होने वाला नहीं है। क्योंकि 12-15 साल से बच्चों से लेकर 30-35 साल 40 साल के बच्चे भी इस ड्रग्स के अंदर जो है ना मुलविस होने की वजह से, छोटा बड़ा अच्छा बुरा ख़ानदान महल्ले वाले कोई भी नहीं, आज 24 घंटे पहले भी जो है ना यहाँ पर सद्दाम कॉलोनी के अंदर भी एक वाक़या हो गया था, वहाँ पर भी बच्चे जो है गांजे की जो है ना पीकर, नाइट्रेट की गोलियां खाकर आपस में जाने आने वाले औरतों को छेड़कर जो है ना तमाशे कर रहे हैं। तो पुलिस कमिश्नर साहब, ये लोगों को सख्त से सख्त सज़ाएं देना चाहिए, और जो कोई भी है, मैं पुलिस को मशवरा देने के काबिल तो नहीं हूँ, मगर फिर भी मेरा एक मशवरा है कि जितने भी ख़तल में मुलविस है इनको तमाम लोगों को जो है ना शहर बदर कर देना चाहिए। ये लोगों को PD एक्ट में डाल रहे हैं, जेल को जा रहे हैं जो है ना, फिर कोई भी कोई ना बहाने से महीने दो महीने में आ जा रहे हैं। अगर ये लोगों को जो है ना शहर बदर अगर कर देंगे तो ये लोग जो है ना दर बदर के हो जाएंगे, मोहल्ले में नहीं रह सकेंगे, शहर हैदराबाद में नहीं रह सकेंगे, और जो है दूसरे दूसरे डिस्ट्रिक्टों के अंदर जो है लोगों को मॉनिटर कर उनके चाल चलन के ऊपर पूरा जो है ना आप जब तक का नज़र नहीं रखेंगे, ये शायद समझो ये कत्ल गारतगिरी कम होने वाली नहीं है। पुलिस अहदेदार हमेशा जो है और पेट्रोलिंग को बढ़ाना चाहिए। सदर साहब इसके ऊपर संगीन जो है ना बहुत सीरियस मैटर जो है लेकर जो है ना तमाम लोगों को, हमारे लोगों को भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि ऐसे कहीं भी वाक़यात होने दो, कोई गांजा बेचने वाले पीने वाले रहें दो, मुतालिका अहदेदारों को जो है ना फौरन इतला देने के लिए सदर मुहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, मुतालिका हमारे MLA साहब, सब लोगों को, हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारपोरेटर्स को और हमारे सदर मुहतरम को इतला दे रहे हैं। और मैं भी उन लोगों से गुजारिश करता हूँ कि हमारे मोहल्ले के अंदर जो नौजवान, जो इस देश का भविष्य है, इस मुल्क का जो है ना भविष्य है, वो भविष्य जो है बर्बाद होते चले जा रहा है। क्योंकि 11-12-15 साल की उम्र के बच्चे जो है ना ये ऐसी नशावर चीज़ों के अंदर मुलविस होने की वजह से हमको भी बड़ी तकलीफ़ हो रही है। और आप लोगों को मैं ये बोलता हूँ कि अपने बच्चों को महफूज रखने के लिए रातों में जागने मत दीजिए, तालीम के तौर तवज्जो दीजिए, दीन की तरफ तवज्जो देने का काम कीजिए, ताकि आने वाले दिनों में हमारे कौम और मिल्लत, हमारा मुल्क जो है ना बर्बादी से बचे और महफूज रह सके। सवाल